रेड कलर का चाहिए। अच्छा अभी बना कर देता हूँ। गोले वाला आया, गोले ले लो, मजे मजे के ठंडे ठंडे गोले ले लो, मीठे मीठे गोले ले लो। गोले वाला आया, गोले ले लो, गोले वाला आया, आइस गोले वाला आया, आइस गोले ले लो। आ जाओ प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, आइस गोले ले लो। बर्फ का गोला मैं तो जरूर खाऊंगी, लेकिन मम्मा कहेगी बर्फ का गोला नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने बर्फ का गोला खाना है, मैं खाऊंगी बर्फ का गोला। बेटा आपको कौन से कलर का गोला चाहिए? मुझे तो रेड कलर का आइस गोला चाहिए। रेड कलर का चाहिए? अच्छा अभी बना कर देता हूँ। अंकल जल्दी करें ना, मुझसे सबर नहीं हो रहा, कितनी देर लगेगी? और हेलो बेटा, वाओ कितने मजे का आइस गोला, मजा आ गया। गोला मम्मा से छुप के खाती हूँ। तुम पागल तो नहीं? मेरा भी इतना ज्यादा गला खराब है, तुम्हारा खुद का भी तो गला खराब हो रहा है और तुम्हें गोला याद आ रहा है। तुम्हारे लिप्स और चिन रेड हो रही है, मुझे लगता है तुम खा कर आई बैठ हो गोला, है ना? लेकिन मम्मा से छुप के खानी पड़ेगी। मम्मा को ना बताना ये खट्टी गोलियां मैं लेके आया था। अरे नहीं बाबा, नहीं बताऊंगी मम्मा को। मम्मा क्यों मना करती है ये खट्टी खट्टी कैंडीज? बहुत मजे की है। क्या हुआ है शिवा तुम्हें? क्या बात है शिवा, क्यों आवाज दे रही थी मुझे? सब कुछ ठीक है ना? मम्मा गले में भी बहुत दर्द है, सिर में भी बहुत दर्द है। हाँ शिवा, तुम्हें तो बुखार हो रहा है बहुत तेज और गला भी खराब है तुम्हारा।
सच सच बता दो तुमने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो रहा है। मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, जल्दी से बताओ क्या खाया था तुमने। मम्मा मेरी बात मानो, मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं खाया था। सारा दिन चीजें खाती हो बाजार की, मना करती थी ना। शिफा तुम्हें ना ज्यादा बुखार हो रहा है, चलो मेरे साथ डॉक्टर पर। नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर, वो कन्वीनियंट भी दवाई देगा और इंजेक्शन भी लगाएगा। ना खाया करो चीजें, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से खड़े हो जाओ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मम्मा, और तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी अगर डॉक्टर पर ना गए हम। जल्दी करो, वेट कर रही मैं तुम्हारा। बैठिए, क्या बात है जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इसका गला बहुत ज्यादा खराब है और तो और इसको बुखार भी है। ये देखे खांसी रही है बीबी है। आ जाओ बेटा यहाँ पर बैठो, आपको चेक करना है। जाओ बेटा डॉक्टर के पास जाकर बैठो। आ करो बेटा आ। अरे बेटा ऐसे नहीं खाते किसी के ऊपर। और आपका तो इतने ज्यादा गले आए हुए हैं, सारा रेड हुआ हुआ है मुंह। आके चेक करता हूँ, चलो पीछे हो जाओ। बहन जी ऐसा इसने क्या खाया था जिसकी वजह से इसके इतने ज्यादा गले आए हुए हैं और इसको बुखार भी है? बहन जी इसकी इतनी तबीयत खराब है, मेडिसिन से तो इसको आराम नहीं आएगा, इसके लगेगा इंजेक्शन। हाँ इंजेक्शन। नहीं नहीं लगवाऊंगी बेटा, मेडिसिन से आपको आराम नहीं आएगा, लगवा लो बेटा जल्दी आराम आ जाएगा आपको। नहीं आपकी तबीयत खराब है ना, बाजार की चीजें और खाओ आप। मैं तो खाती भी नहीं हूँ। बाजार की चीजों से खराब हुआ है आपकी तबीयत बेटा? ऐसा तो आपने कुछ खाया ना जिसकी वजह से आपका गला खराब है और आपको बुखार है? नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं सोकर उठी तो मेरा गला खराब था और बहुत तेज बुखार था और मैंने तो कुछ ऐसी चीज भी नहीं खाई थी। कोई चीज ऐसी खाइए उसकी वजह से ही तो आपका गला खराब हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं खाया डॉक्टर साहब, मेरा यकीन करो। बेटा सर सर बता दो, आप जैसे कितने बच्चे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। सर सर बताओगे इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, केस को मेडिसिन से तो आराम आने नहीं वाला है, कुछ इंजेक्शन ही लगेगा। क्या इंजेक्शन? हाँ बेटा इंजेक्शन लगेगा आपको। नहीं अंकल। बेटा इंजेक्शन से आपको फौरन आराम आ जाएगा, इंजेक्शन आपके फायदे के लिए आपको लगेगा। मुझे शौक थोड़ी है बच्चियों को इंजेक्शन लगाना। बहन जी आप ही कुछ समझाइए इसको। नहीं मम्मा। बेटा कुछ भी नहीं होता, इंजेक्शन से लगवा लो ना, आराम आ जाएगा आपको। हम जब छोटे छोटे थे ना हम भी लगवा लिया करते थे आराम से, तुम्हें पता नहीं क्यों डर लग रहा है। बेटा अब तो आपको इंजेक्शन। नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, प्लीज ना लगाओ। अरे बेटा मैंने तो आपको अभी तक लगाया भी नहीं है इंजेक्शन, शोर आपने पहले बिछा दिया। अब जल्दी से बता दो आपने क्या क्या खाया था। अच्छा मैं बताती हूँ। बताओ। मैंने आइस गोला खाया था। क्या बर्फ का गोला, वो भी इस मौसम में? वो कहाँ से मिल गया तुम्हें? वो मामा मैंने रेडी वाले अंकल से आइस गोला लेकर खाया था। तुमने रेडी वाले से बर्फ का गोला लेकर खा लिया? ओ माय गॉड कितना डर्टी पानी यूज करते हैं वो लोग। अच्छा बेटा और क्या क्या खाया था? और मैंने खट्टी चूरन वाली कैंडीज भी खाई थी। चूरन वाली खट्टी कैंडीज वो भी तुमने खा ली? ओए फिर तो तुम्हारा गला खराब होना था। आ बेटा वाह 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 वाह, अब तो आपके इंजेक्शन जरूर लगेगा। नहीं नहीं अब मैंने सच में बता दिया। नहीं नहीं आप तो इंजेक्शन और जरूरी हो गया है लगना। तुमने मुझसे बगैर पूछे ये चीजें खाई हैं, अब तो मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब इसको लगाओ इंजेक्शन। बेटा मैं आपको इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या? लेकिन इंजेक्शन से ही आपको आराम आएगा। नहीं 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 इंजेक्शन तो आपको लगेगा, जरूर लगेगा। नहीं नहीं अंकल बहुत जोर से चुप किए। अगर आप चाहते हैं ना कि आप
आपको शिवा की तरह इंजेक्शन ना लगे तो प्लीज खट्टी कैंडीज मत खाएं और आइस गोला मत खाएं इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में हमारा गला खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म होती है हमारी ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मोर फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मून माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।